হাই গাইজ, এটা আমি এখন লম্পালে যে দাঁড়িয়ে আছি হায়দ্রাবাদের, একটা জিনিস দেখবেন, এই যে খান মুন্সি সাহাব, এটা হচ্ছে নিজামের একটা অরিজিনাল, নিজামের মানে যারা যে রাজারা যে রুটিগুলো খেত সেটা কিন্তু এখনও তৈরি হয় এখানে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে, ঠিক আছে। আর সব থেকে ভালো জিনিস হচ্ছে এখানে মানে আমাদের লাইভ হয় এখানে। আর আপনার এই এরিয়াটা দেখিয়ে দিচ্ছি, যদি রুটিগুলো যদি দেখেন লাইভ একদম এখানে দোকান সামনে। হায়দ্রাবাদ কি বহুত পুরানি রুটি হ্যাঁ, इसको नान की रोटी बोलते हैं। ये रोटी जो है सो निज़ाम सरकार अपने दस्तरखान पे रखा करते थे, खाया करते थे जी हो। तो ये दुकान जो इसका नाम मुंशी पड़ा, अच्छा, तो हमारे जो फोर फादर थे उन्होंने जो है सो हुजूर निज़ाम कने मुंशी थे जी, तो मुंशी रहते हुए उन्होंने दुकान डाले थे, अच्छा अच्छा, रोटी का दुकान डाले थे, दिल्ली से रेसिपी ला के रोटी का दुकान डाले थे। तो वो दुकान का नाम जैसा था पड़ गया मुंशी साहब की रोटी, मुंशी साहब की रोटी वैसा करके दुकान का नाम पड़ गया। ओके ओके, वो टाइम की बात हो, 1800 सेंचुरी की बात हो रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी हो, उन्होंने हमारे दादा के दादा थे। अच्छा, मैं फिफ्थ जनरेशन हूँ। अच्छा 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 जी हो, मैं फिफ्थ जनरेशन हूँ। ओके, तो वैसा मुंशी साहब की रोटी करके नाम पड़ गया, तो वहीं से नाम लगा, नान मुंशी साहब करके नाम लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अभी इसका कॉस्ट क्या है? 16 रुपीज़ ईच। 16 रुपीज़, तो एक सेट 5 रुपीज़ से, मतलब 5 सेट का होता है। हाँ, और जो भी जो लेता है वो भी मिलता। ओके, यहाँ पे एकदम लाइव बनता है, लाइव बनता है। দেখুন, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কীভাবে এরা বানায়, আর আপনারা ইজিলি বুঝতে পারবেন এটা একদম লাইভ এখানে বানানো হচ্ছে প্রত্যেকটা ইয়েতে। দেখুন, ये रोटी का शेप देने के लिए है। सही है, सही है। चलो इसका भी मछली हो Thank you.
हरा जी रंग का दिया मुझे। বন্ধুরা দেখলেন কীভাবে এরা নান রুটি তৈরি করে, আর বুঝতেই পারছেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, আপনারা দেখতে থাকুন আমার ব্লগটা, আর ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন। ये कागज क्यों दे रहे हो? ये इसके लिए तो रोटी पे दवा आ रहा था, पपड़ी। हाँ सुलता, हाँ मैं सुलता हूँ। हाँ अच्छा 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 रखने से भी क्या साफ भी रहता। हाँ हाँ वो रखने से साफ भी रहता हूँ। साफ रहता है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स देते हैं आप? इसमें पहले तो पानी के साथ मिक्स करते हैं। हाँ। मैदा को लेके। हाँ? मैदा लेके। हाँ मैदा, मैदे के साथ पानी, फिर उसके बाद घी और तेल डालते। अच्छा जी। हो 50 किलो में जो है सो 5 किलो तेल और 3 किलो घी डालते हैं। अच्छा। प्लस इलायची पाउडर डालते हैं। इलायची पाउडर। अच्छा। और फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट रहता है। और आपका, आप लोगों का जी ये बहुत ओल्ड है तो इसीलिए सीक्रेट पाउडर होता है। जी वो सीक्रेट पाउडर भी रहता है। हाँ तो वो तो बोल नहीं सकते, वो हम पूछेंगे भी नहीं, ये सबका सबका ये होता है। थैंक यू, थैंक यू।
ভিতরে ঢোকা যাবে না, ছাড়বে তো। বিরিয়ানি রাখ, so luxurious, so